हम अभी कमीज काटने जा रहे हैं। सबसे पहले कपड़ा खोल दो, खोलने के बाद में डबल करो। कट कर लो, कपड़े को बराबर कर दीजिए। चार फोल्ड लगे। हम पहला कपड़े को भी लेवल करेंगे। लेवल करने के बाद 1.5 इंच और मार्ट। सबसे पहला हम जिसका माप लेते हैं लंबाई, जितना लेंथ है उतना लेंथ लेना। रेडी 41 लेंथ।13 कमर का माप, 20 हिप का माप, 1, 2, 3 माप। सीधा स्केल उठाइए और इसको सीधा मार्किंग कीजिए। 1, 2 तबारक। सबसे पहला आप शोल्डर का माप लेंगे। शोल्डर है 13.5, इसका आधा 7.5। दूसरा कमर का 42, इसका 4 भाग करेंगे अब 38। राइट सॉरी, सबसे पहला हम शोल्डर का माप लेंगे। हमारा शोल्डर है 13.5, 13.5 का 2 से डिवाइड करेंगे, उसका हुआ 7.5। सेकेंड हम अरमोल का हिसाब करेंगे। सेकेंड शेष्ट जितना हम रखते हैं उससे 2 इंच कम होगा अरमोल। आम 6 इंच, हम ये जितना रखे हैं 7.5, तो इधर भी 7.5 ही आना चाहिए। फर्स्ट 42 हमारा शेष्ट है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, उसका हुआ 10.5। शेष्ट एक इंच मार्जिन सिलाई के लिए। सेकेंड कंबर का हिसाब है 34, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, उसका हिस्सा होता है 4 से डिवाइड करने का 8.5। हम इधर 8.5 रखेंगे। 1 इंच सिलाई 1, इसका है 41, इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड से 10.25 आता है। तीसरा स्टेप हिप का है 41, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 10.25। 1 इंच सिलाई। अच्छा, अभी हम घेरे का मार्किंग लेंगे। घेरे के लिए हम हिप का साइज लेंगे।
हमारा एक का साइज था 41, हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10.25। सवा दस में हम 2 इंच ऐड करेंगे, ये हुआ 10.25, 12.5, मार्जिन 1 इंच। अब हम अरमोल यानी के आम का माप, जो हम माप लिए थे 6 इंच, उसके हम सीधा स्केल यूज़ करेंगे, स्ट्रेट यूज स्केल। के बाद हम अभी नेक का माप लेंगे 3.25 इंच। स्टैंडर्ड जो ये माप स्टैंडर्ड है। उसके बाद हम जो 6.5 का मार्किंग किए माप लिए थे उस पर 6.5 करेंगे। अगर चाहे तो आप गला बड़ा भी कर सकते हैं, चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। अभी हम बैंड स्केल करेंगे, अब हम इसे मार्किंग करेंगे जो मार्किंग किया गया था। फिर हम सीधा स्केल लेंगे। अभी हमें लेंथ मापना है, तो जो सिलाई का पकड़ा गया है ये भी पकड़ना है 42.5। यही चीज़ हमें यहाँ भी रखना है 42.5। फिर हमें शेप निकालना है, एप्पल शेप। ये निकालने से साइड ड्रेस पहनने के बाद में लटकता नहीं है। चलो हाँ, फिर हम इसे शेप लेंगे हल्का सा, ये अमूल शेप है। अमूल शेप, शोल्डर माप, अरमूल का माप यानी आम का माप, शेस्ट का माप, कमर का माप, हिप का माप और घेरा बॉटम का माप। अब हम कटिंग करेंगे। ये हिस्से को हम ज़्यादा नहीं काटेंगे, ज़्यादा काटने से ड्रेस खराब हो सकता है। अब आप मार्किंग पे चटका मार देंगे, हिप का मार्किंग का चटका। इतना सा ओपन रखना है हमें साइड स्लिट ना। तो एक मिनट दिखा, अभी हम नेक काटेंगे माने के गला जो हम 6.5 रखे थे। आपको जो डिजाइन चाहिए वो डिजाइन रख सकते हो। हम इसको 5 गला रखेंगे।
सिंगल पल्ला फ्रंट का हिस्सा मार्किंग पे काट लो। बैक का गला 4 इंच 5 इंच 3 इंच 6 इंच जितना बड़ा चाहिए उतना यूज़ कर सकते हो आप। हम इसको 4.5 रखेंगे। हल्का सा राउंडिंग, फ्रंट के 2 पल्ले हल्का से इसके ओम शेप लेंगे। ये काटने से फ्रंट के तरफ में रिंकल नहीं आता। ये कपड़ा अब टॉप का बचा हुआ है, ये 4 पल्ले इसे 2 पल्ले कर दो। अभी हम इसमें आस्तीन काटेंगे यानी कि हैंड। इसको डबल करो। इसमें हम हाफ भी काट सकते हैं, फुल भी काट सकते हैं। अभी हम इसमें हाफ आस्तीन काटेंगे। पहला कपड़ा सीधा कर लीजिए, 1 इंच फोल्डिंग मार्जिन। आस्तीन का लेंथ 7 इंच हाफ आस्तीन 7 इंच। आधा इंच हम ऊपर सिलाई के लिए मार्जिन देंगे। 3 इंच अरमोल शेप यानी आम का शेप 3 इंच। फिर उसे हम सीधा मार्किंग करेंगे।